अच्छा हुआ ऋषि दुर्वासा के लौटने के पूर्व ही युवराज हनुमान आ गए। अब ऋषिवर को इस चोरी के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होगा, उनका रोष शांत रहेगा। पुत्र, ऋषि दुर्वासा पधार रहे हैं, तुम कल वृक्ष के समीप अपने नियत स्थान पर पहुंच जाओ ताकि वो तुम्हें वहां पर देखकर निश्चिंत होकर अपना तप आरंभ कर सके। प्रणाम ऋषिवर, हनुमान का स्वागत पुनः स्वीकार कीजिए। कल्याण हो पुत्र, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरी अनुपस्थिति में तुमने कल्प वृक्ष की सुरक्षा पूर्ण निष्ठा के साथ सुनिश्चित की, अब मैं आश्वस्त होकर अपना तप प्रारंभ कर सकता हूँ। अवश्य ऋषिवर, परंतु उसके पूर्व मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ऋषि दुर्वासा को कुछ भी बताना युवराज हनुमान के लिए अहितकर हो सकता है, कहीं वो कुपित होकर युवराज को शाप ना दे दें। आपके जाने के पश्चात जब मैं कल्पवृक्ष की रक्षा कर रहा था। हनुमान, मैं तुम्हारी बात अवश्य सुनता, किंतु अभी समय नहीं है। मुझे अपना तप प्रारंभ करना है, अन्यथा यह शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। वत्स हनुमान, इस तपस्या में अनेकों माह और वर्ष भी लग सकते हैं। तुम्हें पूरी सतर्कता के साथ इस स्थान और कल्प वृक्ष की रक्षा करनी होगी। ऋषिवर, आप निश्चिंत रहिए, हनुमान इस बार पूर्णतः सजग रहेगा। आपके तप अथवा कल्प वृक्ष पर कोई आंच नहीं आने देगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः, शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शांति शांति शांति। रैन दिवस आवत और जावत, ऋतुएं नित नए रूप दिखावत, शीत ग्रीष्म वर्षा सब बीते, हनुमत भूख प्यास सब जीते। दुर्वासा भय जप में लीना, केसरी नंदन रक्षा कीना, ऋषि तप पर
आँच ना आई, हनुमत अपना वचन निभाई। लीला महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। महाराज केसरी, आपका सौभाग्य है कि आपको हनुमान जैसा पुत्र मिला। इसके कारण ही मैं अपना तप पूर्ण कर पाया। क्षमा कीजिए ऋषिवर, मैं आपकी कृपा का पात्र नहीं। कल्प वृक्ष की रक्षा में मुझसे भारी भूल हुई थी ऋषिवर। सदैव धर्म उचित व्यवहार कर सत्य बोलने वाला हमारा पुत्र ऋषि दुर्वासा से भी कुछ नहीं छिपाएगा। आपके जाने के पश्चात युपाक्ष नाम के एक असुर ने उसने कल्प वृक्ष को यहाँ से चुरा कर उन्हें पाताल लोक ले गया था। परंतु मैंने आपके आशीर्वाद और माता लक्ष्मी की वरदान की सहायता से पाताल लोक जाकर उस युपाक्ष का वध किया। कल्प वृक्ष को लौटा लाने में सफल रहा, परंतु उससे मेरी भूल समाप्त नहीं हो जाती ऋषिवर। मेरी भूल के लिए मुझे आप अवश्य दंड दीजिए ऋषिवर। हे ईश्वर, ऋषि दुर्वासा कहीं मेरे पुत्र को कोई अनर्थकारी श्राप न दे दे। जिस कार्य के लिए तुम्हें वरदान मिलना चाहिए वत्स हनुमान, उसके लिए मैं तुम्हें दंड देकर तुम्हारे साथ अन्याय कैसे कर सकता हूं। परंतु ऋषिवर, मैं चकित हूं। उस असुर ने मेरे कार्य में हस्तक्षेप करने की मूर्खता कैसे की। अवश्य किसी के उकसाने पर उसने इतना बड़ा दुस्साहस किया होगा। उसके कृत्य के लिए तो तुमने उसे दंडित कर दिया हनुमान, किंतु उसके सहयोगियों को भी दंड अवश्य मिलना चाहिए। क्या तुम्हें ज्ञात है हनुमान, इस षड्यंत्र में और कौन भागीदार था? मैंने लंकेश रावण और महाराज वाली को वचन दिया है। मैं असत्य नहीं कह सकता, परंतु यदि सत्य कहा तो रावण के साथ वाली भैया भी ऋषि दुर्वासा के कोप का ग्रास बनेंगे। अब क्या करे हनुमान, ऋषिवर को उनके प्रश्न का क्या उत्तर दे? हनुमान, ये कार्य किसी एक व्यक्ति का नहीं। बताओ
इस कृत्य में उस दुष्ट असुर युपाक्ष के साथ और कौन कौन सम्मिलित था? ये तो बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई है। वाली भैया भले ही इस कृत्य में सम्मिलित थे, किंतु मैं वाली भैया को संकट में नहीं डाल सकता। सदैव स्पष्ट बोलने वाला हनुमान आज इतने असमंजस में क्यों पड़ गया? यदि हनुमान को कुछ ज्ञात है तो बता देना चाहिए। ऋषि दुर्वासा हनुमान की इस बात पर भी क्रोधित हो सकते हैं। मेरे लाल को इस संकट से बचाना प्रभु। तुम्हारा ये मौन भी कुछ कह रहा है हनुमान। कोई बात नहीं, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, भूत भविष्य वर्तमान सब देख सकता हूँ। मैं अपने अंतर्चक्षुओं से अभी ज्ञात कर लूंगा कि इस दुष्कृत्य में कौन कौन सम्मिलित था। ये तो अनर्थ हो जाएगा। अब वाली भैया को ऋषिवर के कोप से नहीं बचा पाऊंगा मैं। यदि तुम उस कल्प वृक्ष को चुरा कर यहाँ पाताल लोक में ले आए तो तुम उसकी सहायता से पाताल लोक को भी स्वर्ग के समान वैभवशाली बना सकते हो। आप दोनों का कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा इससे? पृथ्वी पर उसका आह्वान ऋषि दुर्वासा ने किया है। तुम उस कल्प वृक्ष को चुरा सकते हो, और यदि तुमने ऐसा किया तो ऋषि दुर्वासा कुपित होकर उस मरकट को श्राप दे देंगे। हनुमान, 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 क्यों नहीं बताया तुमने कि ये दुष्कृत्य रावण और वाली ने कराया है? क्यों बचाना चाहते थे तुम उन दुष्टों को? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि अपराध करने वाले को बचाने वाला भी अपराधी माना जाता है? क्षमा करें ऋषिवर, अपराध करने वाला यदि कोई अपना हो तो? अपना मानते हो तुम उन दुष्टों को? उनके कारण तुम्हें मेरा श्राप मिल सकता था हनुमान। उस दुर्वासा को अपनी स्वार्थ सिद्धि का माध्यम बनाया, दंड भोगेगा वो वाली और भोगेगा वो दशानन। शकुन, कहीं स्वामी ने। हे महादेव, हे प्रभु, मुझ मंदोदरी की गुहार सुन। एक स्त्री का यूं सौभाग्य सिंदूर गिर जाना इस बात का संकेत है कि उसके स्वामी पर अवश्य कोई संकट आने वाला है। अब मेरे स्वामी लंकेश तो आपके परम भक्त है ना, कृपया उनकी रक्षा कर। ऋषि विशर्वा,
स्वामी के पिताश्री। पिताश्री प्रणाम। पिताश्री सौभाग्यवती बाबा, आप अचानक यहाँ। पुत्री मंदोदरी, तुम्हारी शंका निराधार नहीं है। रावण पर वास्तव में बड़ा संकट आने वाला है। महर्षि दुर्वासा का कोप लंकेश का सर्वनाश कर देगा। आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? सब बताने के लिए अभी समय शेष नहीं है पुत्री मंदोदरी। दुर्वासा ऋषि को मात्र तुम ही रोक सकती हो। शीघ्र उन्हें रोको, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। रावण का जीवन संकट में है। धूर्त वाली, अब भोगोगे तुम अपने दुष्कृत्य का फल। क्या करूं? लंकेश रावण के साथ वाली भैया को भी शापित होना पड़ेगा। कैसे रोकूं मैं ऋषिवर को? ऋषिवर, हनुमान की विनती है, वाली भैया को शाप मत दीजिए, क्षमा कर दीजिए वाली भैया को। धूर्त है वाले, क्षमा योग्य नहीं है वो। दुष्टों को क्षमा करना उनकी दुष्टता को बढ़ावा देना होता है। क्षमा को हमारी दुर्बलता मानकर वो और प्रबलता से पाप करने लगते हैं। उस वाली के पाप का दंड है श्राप, दंड है श्राप जो उसे भोगना ही होगा, भोगना ही होगा। ऋषिवर, क्षमा ऋषिवर क्षमा। मैं लंकेश रावण की पत्नी मंदोदरी, दया कीजिए ऋषिवर। दया दया कीजिए मुझ पर। यू शाप देकर मेरे सौभाग्य सिंदूर को नष्ट मत कीजिए। क्षमा याचना उसके लिए की जाती है जो क्षमा के योग्य हो। मुझे रोकने से क्या होगा महारानी मंदोदरी? क्या आपने कभी अपने पापी पति को पाप करने से रोका? पाप कर्म सदैव मनुष्य को पतन के अंधकार भरे मार्ग की ओर ले जाते हैं। अपने अंत का द्वार उसने स्वयं खोला है। इस पाप का फल उसे भोगना ही होगा। दया कीजिए ऋषिवर, मैं मानती हूँ वे अधर्म के मार्ग पर चल रहे। मैंने उन्हें बार बार समझाया किंतु उन पर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे अधर्मी सृष्टि पर बोझ होते हैं महारानी। ऐसे अधर्मियों का सर्वनाश होना ही चाहिए। किंतु ऋषिवर, मैंने तो आपके प्रति कोई अपराध नहीं किया है। मुझे आप इस दंड का भागी क्यों बना रहे?
सबला नारी को दया की भिक्षा दे दीजिए। उनके सर्वनाश का अर्थ है मेरे सौभाग्य सिंदूर का मिट जाना। सौभाग्य सिंदूर नहीं, कलंक है वो तुम्हारी मांग का। ऐसे कलंक का मिट जाना ही उचित है। आप मुझे पुनः रोकने का प्रयास न करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पति के साथ साथ आपको भी मेरे श्राप का भागी बनना पड़े। रावण पाले, अब भोगो अपनी करनी का दंड। नहीं ऋषिवर, क्षमा ऋषिवर, क्षमा। नहीं ऋषिवर, लंकेश रावण के साथ साथ पाली भैया को भी श्राप मिल जाएगा। वाली भैया को क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए। हनुमान, 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 ऋषि दुर्वासा ने तो अपने कमंडल से जल निकालकर हथेली में ले लिया। कहीं हनुमान को शाप ना दे दे वो, ऐसा ही प्रतीत होता है। कहीं वाली को रक्षित करने में ऋषि दुर्वासा क्रोधित होकर हनुमान को ही श्राप ना दे दे।